जेई मेन 2020 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स इन एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या होता है? एस्पार्टेम जो है ना वो एस्पार्टिक एसिड ये है, ठीक है ना, और फिनाइल एलानिन के मिथाइलेटेड डेरिवेटिव से बनता है। फिनाइल एलानिन क्या है? जिसमें ये बेंजाइल ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना, ये, और इसमें जो एसिड था ना इसको मिथेनॉल से ट्रीट करके मिथाइलेटेड बना देते हैं, तो मिथाइल एस्टर डेरिवेटिव ऑफ एलानिन, ठीक है ना। ये है एस्पार्टिक एसिड और ये है मिथाइल एस्टर ऑफ फिनाइल एलानिन। दो, फिनाइल एलानिन और एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों एमिनो एसिड्स हैं और उसमें फिनाइल एलानिन के मिथाइलेटेड एस्टर के फॉर्म के साथ जब हम एस्पार्टिक एसिड को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से H2O निकाल कर, ये देखें आप, यहाँ से H2O निकाल कर ये एक इस तरह का पेप्टाइड लिंक के साथ ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है CH, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O NH, और ये हो गया CH CH2, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O OCH3। आप देख रहे हैं, अब ये कहलाएगा एस्पार्टेम। दिस इज एस्पार्टेम, इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर ऑल्सो, इट इज 100 टाइम्स स्वीटर देन नॉर्मल सुक्रोज विच वी यूज इन आवर होम्स। अब इसमें sp2 कार्बन देखें, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp2 है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ये कार्बन sp2 है सी डबल बॉन्ड ओ वाला, और ये कार्बन sp2 है, ठीक है ना, और इसमें बेंजीन रिंग के सारे ही कार्बन sp2 हैं, ठीक है ना। तो 6 तो यहाँ पर है, 6 तो यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए? 9। तो टोटल 9 sp2 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन एस्पार्टेम, राइट। यही इन्होंने पूछा, एस्पार्टेम में कितने sp2 कार्बन्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 9, दैट्स इट, नोट करें।